फैमिली। हाँ हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहां मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, आपका सनातन धर्म बोलते हैं सच बोलो, ये सच बोलते हैं क्या? वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ये अहिंसा में यकीन रखते हैं क्या? ये तो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को, गरीब बच्चों को जिनको नौकरी नहीं दे पाते हैं, उनको जाके बोलते हैं जय श्री राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो, और जिस श्री जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो? अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये शब्द उस नेता के मुंह से आ रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने ही उग्रवादियों को पैदा किया। श्रीनगर में आजादी के बाद से कितने ही कत्ल हुए हैं, आज वो लोग महात्मा गांधी और गोडसे की बात करते हैं जिन्होंने देश का अमन और चैन छीन रखा है। देखिए जो देश को एकजुट करने की बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का उचित प्रयास है, 70 साल के बाद हम भारतीय होके जीने चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और ये जो जातिगत सेंसस करवा रहे हैं इसकी प्रमाणिकता क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार के हाथ में रजिस्टर आ गया, जिसको चाहे वो जिस जाति में डाल दे, कोई प्रमाणिकता नहीं है। और क्या सेंसस में आने के बाद ही लोगों को लाभ मिलेगा? सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि हमें आज तक आगे देखा नहीं गया। तो ये सारा चुनावी खेल है, पहले भी हुआ था मंडल आयोग, और इन पार्टियों को जो जो सत्ता में रही हैं और आज जातिगत गणना की पैर भी कर रही हैं, उनको बताना चाहिए कि जितने जितने साल वो सत्ता में रहे उन्होंने इन जातियों के लिए क्या किया।